मैडम क्या नाम है आपको? हमारा नाम संतरेश है जी, ब्रह्मपुर माजरे से आई। धरने पे बैठे क्यों? बात क्या बात है? हमारी तो बात है जी, डीलर साहब मैं वो राशन नहीं दे पा रहा, कभी 2 किलो कभी 3 किलो, 7 सदस्य हम घर में, क्यों नहीं दे रहा हमें? हमें कि डीलर को दुखी कर रहा था प्रधान ने, और कह रहा कि कोटा छोड़ दो, और कोटा छोड़ते ही हम वीरान हो जाओगे, हम नहीं हो जाओगे यहाँ, तो गरीब समझ गया हमें कोटा टाइम पर दे भी रहा है डीलर, अगर कहीं और चले गए हम दुखी हो जाएंगे। सर तहसील में हम इसलिए आए, हमारे गांव का जो जाकिर हुसैन डीलर है वो ज्यादातर राशन बिल्कुल नहीं देता, और जो औरतें हैं उनके साथ में अभद्र व्यवहार करता है, गाली गलौच भी करता है, और जो जिसकी 10 यूनिट है उसमें तो 8 ही देता है, जिसकी 8 है उसमें मतलब 5 ही देता है। कोई भी जो जाता है राशन के लिए उन्हें सही तरीके से राशन नहीं देना। हमने करीब उसके इसको एसडीएम के साहब भी, एसडीएम साहब के यहाँ भी और बागपत भी हमने जांच, जी जी उसके लिए भी हमने मतलब करीब 20-22 एप्लीकेशन दी, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं हुआ। अब हमने करीब 4th दिन है जब हमने यहाँ से जांच के लिए एप्लीकेशन दी, तो वहाँ अधिकारी आज छुट्टी के दिन पहुँचा। तो संतुष्ट है आप लोग? नहीं जी, हम जन से संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है उसका जो जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए। कोटे के लिए है, कोटा हमारा बहुत बढ़िया मिल गया, 6 यूनिट है, 6 की 6 दिन मिले, टाइम से पहले मिले, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तहसील में क्यों हंगामा कर रहे? वो प्रधान पार्टी खामा खा कर रही, गलत कर रही, उसे पैसे कहाँ से दे, अपाज आदमी है कहाँ से ले, अगर मारा मतलब मारा राशन बेच कर उसे दे दे, हम कहाँ जाएंगे? गांव में राशन को लेके प्रॉब्लम है, अगर राशन डीलर लोगों को राशन नहीं देता, जिनका 5 यूनिट बनता है उनको 2-4 यूनिट देता है, जिनका 7 यूनिट बनता है उनको 3 यूनिट। मामला जी गलत आरोप लगा रहे, एक आदमी को बुला बुला कर राशन देता हूँ, जब तक ये गरिमा प्रधान बनी तब तक मेरे पीछे 15 शिकायत कर चुका है, और दबाव बना रहा कोटा छोड़, जबकि गांव में जांच जो है पूरी कर चुके हैं सभी अधिकारी मेरी, और हर व्यक्ति को राशन देता हूँ, और जिनका अंगूठा नहीं आता है उन्हें उनके घर भी राशन के लिए अंगूठा दे लगवा के राशन पूरा देता हूँ। तहसील में प्रधान बार बार झूठी शिकायतें करता है, जबकि मेरे गांव के सभी बिरादरी के 200 लोग तहसील में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आ रहे हैं। शिकायत बार बार करता है प्रधान, झूठी शिकायतें करता रहता है, दबाव बना रहा है, 10,000 रुपए की डिमांड करता है, 2 कट्टे गेहूं के भी मांगता है, कहां से करूं? गरीबों का राशन है, गरीबों को अंगूठे के हिसाब से। मेरे पति देश सेवक है, मेरे पति ये रिश्वत नहीं ले सकते, और मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं तो एक प्रधान हूँ, मेरे पास में तो लोग आएंगे, मैं तो उनकी सेवा के लिए खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे तहसील में जाने के लिए बोला, मैं तहसील में गई उनके साथ में। ये सब जो आरोप है ये सब निराधार है, सब झूठ है, ये अपने आरोप छिपाने के लिए कर रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है कि 10,000 रुपए की मांग की है, वो मांग की है, पैसे मांगे हैं, तो हमारे खिलाफ जो भी सबूत है हमें वो सबूत दिखाओ, और जो हमें प्रशासन दंड देगा हम दंड लेने के लिए तैयार है, पर हमें सबूत तो दिखाओ, हमारे खिलाफ जो सबूत है उसे दिखाओ। और